गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास खाली कराए जाने की नोटिस पर नाराज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने शनिवार को प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कार्यालय और उनके आवास समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रावास खाली कराया जा रहा है, जबकि प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्रावास को खाली नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी भीषण ठंडी में अगर छात्रावास से छात्रों को निकाल दिया जाएगा तो छात्रों की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक फैसले को रद्द नहीं करता तब तक छात्र आंदोलन को जारी रखेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह ने कहा, जिस तरह पुलिस को आगे कर देते हैं, प्राक्तन को आगे कर देते हैं, प्राक्तन को आगे कर देते हैं, तो यहाँ बताना चाहते हैं एक मिनट रुकिए, निकालना है तो संवाद तो करना पड़ेगा, इसीलिए जब तक बात नहीं हो पाएगी हमारी भी बात इनके पास जानी चाहिए, इनकी भी बात आनी चाहिए। एक मिनट शांति बनाए रखिए, बार बार अपने धैर्य बनाए रखिए। उठेंगे और अंदर जाके बात करेंगे। आप लोग तैयार हैं? योगेश प्रताप सिंह, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासी भाइयों के द्वारा यह विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत सप्ताह भर से लगातार छात्रावासी भाई कभी कुल सचिव से, कभी DSW से, कभी प्रॉक्टर से, कभी कुलपत से, सभी लोगों से मिल रहे थे कि हमारी बातों को माना जाए, इस ठंड में हमारे साथ अन्याय न किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की बात नहीं सुना। तो कल बहुत सारे छात्र जो है कि जन सुनवाई पे भी गए मुख्यमंत्री जी के, वहाँ से भी वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिला है छात्रों को कि आपको छात्रावास खाली नहीं कराया जाएगा। लेकिन हम बता दें कि यह छात्रावासी जो हैं यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हम मूड बना के आए हैं, हम दो ही जगह पर रहेंगे, या तो प्रशासनिक भवन पर रहेंगे या अपने छात्रावास के कमरों में रहेंगे। यहाँ से कोई भी छात्रावासी भाई उठ के नहीं जाने वाला है, या तो फिर कुलपत जी सबको क्या करें, जेल की बैरक में भेज दें, लेकिन कोई भी छात्र अपने घर नहीं जाएगा। योगेश प्रताप सिंह, हमारी मांग यही है कि कुलपत जी लिखित आश्वासन दें कि किसी भी छात्र को जो यहाँ पे वैध छात्र है, जिसकी अभी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वो छात्रावास से नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। जो भी सैनिटाइजेशन है, जो भी तमाम तरह के उनके अपने काम काज है, वो अपना करते रहें, लेकिन हम लोग घर नहीं जाएंगे।